असल बिसम्र वेलकम बैक टू साराज़ फ़ूड कॉर्नर आई होप यू ऑल आर डूइंग गॉड जैसे कि ईद बहुत बहुत करीब है आई गेस सिर्फ दस दिन रहते हैं ईद में तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्विक क्रीमी कॉकटेल ट्राइफिल इसको बनाना बहुत बहुत आसान है इट सिम्पली एंड एफर्टलेस डिज़र्ट जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में रेडी हो जाएगा एंड इट विल लिटरली मेल्ट इन योर माउथ इट्स सुपर सॉफ्ट एंड सुपर क्रीमी इतना इसका रिच फ्लेवर है कि विल जस्ट लव इट और इसको बनाने में कोई ख़ास टाइम नहीं जाता सिर्फ़ और सिर्फ इसमें सेटिंग टाइम है जो कि सिक्स टू टेन आवर्स से आप जितना इसको ठंडा करेंगे ये उतना अच्छा सेट होगा तो चलें लेट स्टार्ट शुरू करते हैं इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं बिस्किट्स जो कि मैंने लिए थे ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव आ, ये आपके डिश साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बिस्किट्स चाहिए होंगे इसके अलावा वनीला एसेंस किया था वन टी शुगर मैंने ली थी थ्री टेबल स्पून और सॉल्ट मैंने लिया था जस्ट आप पेंच सिर्फ़ एक चुटकी नमक मैंने मैंने लिया था इसके अलावा इसमें जाएगा फ्रूट कॉकटेल जो कि मैंने लिया था वन एंड अ हाफ कप इसके अंदर से मैंने सिरप ड्रेन कर लिया था उसके बाद ये वन एंड अाफ़ कप है और ग्रेप्स मुझे नहीं पसंद कैन ग्रेप्स तो वो मैंने इसमें से निकाल लिए थे और चाहे कि इसमें विपिंग क्रीम जो कि मैंने ली थी सेवन फिफ्टी एम एल और दूध मैंने लिया था जिसमें हम सिर्फ बिस्किट स्टिप करेंगे बाकी सब चीज़ें हम साइड पे कर देंगे और अपनी क्रीम को हम विप कर लेंगे इसको हमने ज़्यादा विप नहीं करना सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पिक्स बनाने हैं अगर ये आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो ये आपसे तो ये आपका तीन से छः मिनट में रेडी हो जाएगा एक्चुअली ये आपकी इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड पे डिपेंड करता है अगर उसकी स्पीड तेज़ है तो ये जल्दी हो जाएगा लाइक दो से चार मिनट में और अगर उसकी स्पीड स्लो है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा इसके अलावा अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा लाइक दस से पंद्रह मिनट तो लग जाएंगे अगर आप हाथ से इसे कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर sure करना है कि आप इसके अंदर जो तो चीनी ऐड करेंगे वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए और अगर आपकी क्रीम अगर आपको थोड़ा सा अभी ग्रेनी टेक्सचर दे रही है या फील दे रही है तो आपने इसको विप करते रहना है जब तक आपकी शुगर डिजोव ना हो इनफैक्ट आई वुड से अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो बेहतर है आप पाउडर शुगर यूज़ करें और आपने इसमें चीनी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करनी है जैसे कि मेरी थ्री टेबल स्पून थी तो मैंने उसे थ्री पार्ट्स में ऐड किया है अगर आप विपिंग क्रीम में चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि जो हमने कैन कॉकटेल लिया था उसके अंदर का जो शुगर सिरप था वो मैंने तो डिस्कार्ड कर दिया लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उसके अंदर बिस्किट स्टिप करें और उसके साथ लेयरिंग करें मैं वो शुगर सिरप इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे वो बहुत मीठा लगता है और हमारे पास जो बिस्किट्स हैं वो ऑलरेडी मीठे हैं इवन जो कैंड फ्रूट हमने लिया है वो भी मीठा है तो इसीलिए बस इसमें मैंने दो से तीन चम्मच चीनी ऐड की थी ताकि मिठास बैलेंस रहे ज़्यादा मीठा ना हो ये लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें फ़्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं आ, लेकिन फ़्रेश फ्रूट्स कभी मीठे निकल आते हैं कभी खट्टे निकल आते हैं तो ये इसमें स्वीटनेस बैलेंस नहीं रहेगी आपकी इसमें क्योंकि हर बार तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती ना कि हर बार ही हमें फ्रेश फ्रूट्स मीठे निकलें दैट्स वाई आई प्रेफर कैन फ्रूट्स इन दिस वन उससे हमारी मिठास बैलेंस रहेगी और यहाँ पर मेरी विप क्रीम ऑलमोस्ट रेडी है इसको हमने सॉफ्ट टू मीडियम पीक्स तक ब्लेंड करना है सॉफ्ट पीक्स का मतलब ये है कि जब आप अपना ब्लेंडर लिफ्ट करेंगे तो जो पीक्स बनेंगी वो अपनी शेप रिटेन नहीं कर पाएंगी मतलब वो फ़ौरन ब्लेंड हो जाएंगी और मीडियम पीक्स का मतलब यह है कि जब आप अपना ब्लेंडर लिफ्ट करेंगे तो जो पीक्स मतलब मतलब है तो हैं वो थोड़ी देर तो अपनी पोजिशन में रहेंगी और बाद में वो भी ब्लेंड हो जाएंगी मतलब मिक्स हो जाएंगी डिजोल्व uh, हो जाएंगी और स्टिफ पीक्स तो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए बस मैंने वनीला एसेंस ऐड किया था और नमक भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था बस ये रेडी है मैं यहाँ पे अपना ब्लेंडर बंद कर दूँगी और मैं इसको साइड पे करके अपनी डिश सामने ले आऊँगी ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है ठीक है ये बहुत स्टिफ नहीं है अब इसको मैं साइड पर कर दूँगी ये देख लें आप अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत थिक हो गया है और आपको पता नहीं चला तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं लेकिन आपने इसको ओवरबीट नहीं करना आपने इसकी स्टिफ पिक्स नहीं करनी अब ये मैं डिश ले आई हूँ जिसने मुझे चाहिए ये मेरा एक्चुअली मीडियम साइज़ था नहीं ये मेरा एक्चुअली लार्ज साइज़ की डिश थी इसमें हम सबसे पहले तो व्हीपिंग क्रीम लगाएँगे सबसे फर्स्ट लेयर में ज़्यादा व्हीपिंग क्रीम हमने नहीं लगानी बस इतनी लगानी है कि ये आपकी डिश कवर हो जाए एंड आई डोंट नो मैं आपको दोबारा क्यों दिखा रही हूँ एनी वे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेयर उसमें हम करेंगे बिस्किट्स का यूज़ और ये मैं जो मैंने दूध लिया हुआ था ये मैं साथ ही रख लेती हूँ ताकि साथ, साथ मैं डिप करूँ और मैं लगाती जाऊँ और ये बिल्कुल प्लेन दूध है इसमें कोई चीनी कोई एसेंस कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया हुआ अगर आप चाहते हैं तो आप इसको वही कैंड सिरप से आप रिप्लेस कर सकते हैं जो आपके फ्रूट में था जो आपके कॉकटेल में था और इस तरह बस डिप करके आपने फ़ौरन फ़ोरन लगाते जाना आपने इसको ज़्यादा देर दूध में नहीं छोड़ना वरना ये टूट जाएंगे ये खुद ही सॉफ्टन हो जाएंगे क्योंकि आपने डिप में आपने इसको दूध में भी डिप कर लिया है और आप इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाएंगे तो ये ख़ुद ही सॉफ्टन हो जाएंगे टाइम के साथ और इसके ऊपर फिर मैं क्रीम लगा दूंगी और क्रीम आपने इतनी लगानी है कि सारे बिस्किट्स आपके कवर हो जाएं अब इसके ऊपर मैं ये कॉकटेल जो मैंने लिया था कैंड कैंड कॉकटेल जो मैंने लिया था वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी मुझे एक्चुअली कैंड क्रेप्स बिल्कुल नहीं पसंद तो वो मैं निकाल रही हूँ वो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए ये फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जितना आपको पसंद है आप उतना डालें और इनफैक्ट आप इसमें सीजनल फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अब मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाऊंगी वही बिस्किट्स हम डिप करेंगे दूध में और फिर उसके ऊपर क्रीम चाहेगी और फिर फ्रूट्स चाहेंगे अगर आपकी डिश डीप है तो आप इसमें तीन से चार लेयर्स लगा सकते हैं लेकिन तीन से ज़्यादा लेयर्स ना लगाएं अच्छा नहीं लगेगा और जब आपकी लास्ट लेयर हो तो थोड़ी सी वो डिश में आपकी थोड़ी स्पेस हो मतलब कि फुल आपकी डिश ऊपर तक भरी हुई ना हो उस तरह प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती प्रेजेंटेबल डिश नहीं लगती बस इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और मेक श्योर sure करें कि सारे बिस्किट्स कवर कर ले क्रीम कोई मसला नहीं अगर आपकी क्रीम थोड़ी बच जाती है आप अलग से एक और डिश बना सकते हैं स्मॉल साइज़ की बस यहाँ पे ये मेरी लास्ट लेयर रेडी है ये मैंने क्रीम अच्छे से स्प्रेड कर दी अब इसके ऊपर मैं फ्रूट्स ऐड कर दूँगी अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रॉबेरीज से आप कर सकते हैं या आप पाइपिंग पैक से क्रीम से कोई डिज़ाइन बना सकते हैं फ्लावर्स बना सकते हैं या कुछ भी इट्स टोटली अप टू यू आप इसको किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं बस जी इसके ऊपर अब रैप लगा के इसको तकरीबन पाँच से आठ घंटे आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और क्रीम वगैरह सब सेट हो जाए अगर आप क्रीम के सेट होने से पहले इसको तोड़ लेंगे तो ये आपकी डिश सारी ख़राब हो जाएगी तो बेहतर है आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर से ये उतना ही यमी है मैं इसमें कैरमल के साशे यूज़ कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए आपको याद होगा मैंने लास्ट मंथ वाली डिज़र्ट की रेसिपी शेयर की थी यानी कि के क्रीम कैरमल यूज़ की थी और उसके अंदर से कैरमल के साशे निकले थे जो मैंने उस रेसिपी में तो यूज़ नहीं किए थे लेकिन वो मैंने रख लिए थे वो हम गार्निशिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं आज कर रही हूँ और अभी कर रही हूँ इस रेसिपी में बस ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है ये टोटली ऑप्शनल है अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें जी तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ अंदर से ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से और बिल्कुल आपको केक की के तरह का टेस्ट आएगा जैसे आप आ, फ्रूट केक खा रहे हैं और ये इतना एफर्टलेस है कि इसमें कोई मेहनत नहीं हुई बस आपने विपिंग क्रीम को वप करना है वही उतनी मेहनत है जितनी इसमें जाएगी उतनी ही मेहनत आपने करनी है उतना ही एफर्ट आपने डालना है अदरवाइज़ तो इसमें कोई एफ़र्ट नहीं है ना इसमें कोई ज़्यादा बर्तन भरे जाएंगे जो आपको बार बार धोने पड़ेंगे ना इसमें कोई कुकिंग इन्वॉल्व है ना बेकिंग इन्वॉल्व है सो इट्स वेरी वेरी सिंपल और ये क्विक डिज़र्ट है जैसे कि आपको आज पता चला आपके घर कोई आ रहा है तो आप जिस रात में बनाएं और सुबह में सर्व करें ये देखें कितना यमी ये लग रहा है और आप इसे एक बार खाना शुरू करेंगे तो आपका रुकने का दिल नहीं करेगा इट्स सो सो सॉफ्ट so yummy and it will literally melt in your mouth and i guarantee you ke jitna jaldi bana hai utna hi jaldi ye khatam bhi ho jayega because it is so so yummy and so tasty agar aap chahe to aap isme lady finger biscuits bhi use kar sakte hain but they are bit expensive as compared to the ones which i have used aur ye kafi budget friendly recipe bhi hai आप देख सकते हैं कि इसकी layers कितनी visible हैं और कितनी clear हैं और ये पूरा मैंने आ, क्रीम से कवर किया हुआ था ये रही इसकी फाइनल लुक यू नो इसमें बिस्किट्स एज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं जिनको आइडिया नहीं होगा दे विल से कि आपने इसमें केक यूज़ किया है और उस वक्त आई बेट यू यू विल फील सो प्राउड ऑफ योर क्रिएशन और ये रहे इंग्रेडिएंट्स इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड एनी जस्ट हैव अ लुक एट इट 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 हाउ 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 ऑसम लुक्स एंड एफर्टलेस एफर्टलेस इज इज कोई मेहनत नहीं चाहिए इसमें कोई मेहनत नहीं चाहिए आपने कोई चूल्हा नहीं करना आपने कोई बेकिंग नहीं करनी इसमें it's very simple very basic very easy and super super quick and taste wise it's heavenly it is divine and it's not just that okay, because i made it and i'm praising it no once you will make it you will have it and your friends and family will have it they will say the same so do try it eat it and be happy thank you so much for watching if you video hai, like it share it Subscribe to my channel ko and don't forget to click the bell icon to get all the latest updates and notifications from my channel. You can also follow me on Instagram at Sarah's Food Corner. See you in my next video. Till then, take care of Manella.